ये सामने आपको जो है आप देख रहे होंगे, सामने एक काली माता मंदिर है। जब आप LBW जो है LBW रेस्ट्रो से मतलब जस्ट उसके बगल में एक मंदिर है हनुमान जी का, और वहीं से एक सामने रास्ता दीघा की तरफ चला जाता है, एक रास्ता ये पुनाई चक की तरफ आता है LBW रेस्ट्रो के बगल से। तो जब आप पुनाई चक की तरफ आएंगे करीब 200-300 मीटर तो ये काली माता मंदिर दिखेगी, और ये काली माता मंदिर से ही ये सड़क आ रही है। सड़क है ये करीब 30 फीट का होगा, 25-30 फीट का होगा सड़क ये, तो ये 25-30 फीट का सड़क, इसी से आप एंटर करेंगे और यहाँ से टर्न होगा, यहाँ से टर्न होगा, टर्न होने के बाद जो है ये सामने चलेगा और जहाँ पर वो कार्ड लगा हुआ है मतलब लास्ट वाला तीसरा, वहीं पे वो अपार्टमेंट है, उसी में आपको एक फ्लैट होगा, बाकी मैं फ्लैट के अंदर का आपको दिखा दूँगा। ये आपको अपार्टमेंट हो गया, ये जो मेरा गाड़ी लगा हुआ है जहाँ पे जस्ट इसके सामने का जो अपार्टमेंट है यही है। ये अपार्टमेंट हो गया आपका, ये आपका इसमें लिफ्ट हो गया, और लिफ्ट के सामने जो है आपको ये सीढ़ी है, आप इससे भी चल सकते हैं, ये थर्ड फ्लोर पे है। आपको मैं दिखाता हूँ थर्ड फ्लोर तक चल के, बाकी ये पार्किंग स्पेस है इसमें। पार्किंग स्पेस है, अच्छा इसमें दोनों साइड से सड़क है, एक तो इधर से भी सड़क हो गया, ये भी सड़क आपको 20 फीट का सड़क है। और यहाँ से आपको ये लिफ्ट हो गया, और इधर से हम आपको सीढ़ी से ही चढ़ के दिखाते हैं सीढ़ी का क्या साइज है। लगभग सीढ़ी का साइज तो अच्छा बनाया गया है, टाइल्स लगा हुआ है, अंदर से मकान का स्थिति ठीक है। ये लिफ्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ओपन एरिया है, आपको आगे से भी और दोनों साइड से भी, इधर भी बगल में भी अपार्टमेंट ही बना हुआ है। ये हो गया आपको सेकंड फ्लोर, और ये आ गया थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, इसी का फ्लैट है, ये हम फ्लैट में एंटर करेंगे यहाँ से। एक फ्लैट ये हो गया, ये हो गया, तो हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है। ये देखिए एंट्री इसका हो गया, यहाँ से अंदर से काफी अच्छा वर्क किया हुआ है। नमस्ते, अभी नया फ्लैट ही है ये, इसमें अभी इससे पहले रेंट आउट वगैरह नहीं हुआ है, एक आर्किटेक्ट साहब का है। इसमें आप देख लीजिए, जैसे ही आप एंटर करिएगा गेट से, ये एंट्री हो गया, यहाँ पे आप चाहे तो 3 सीटर सोफा और डाइनिंग स्पेस का आप काम कर सकते हैं। ये किचन है, किचन का भी स्पेस देखिए, बेसिन, और ये ठीक है साइज अच्छा है किचन का। ये ड्राइंग स्पेस हो गया आपको अच्छा है, मतलब जैसा बाहर से दिखा था वैसा नहीं, अंदर आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है,
आप अगर अंदर आके फ्लैट को देखेंगे तो अच्छा फील होगा। और उसके बाद ये यहाँ पे आपको हॉल से लगा हुआ वॉशरूम है, एकदम हर चीज नया है, न्यू फ्लैट है, मतलब ये यूज नहीं हुआ है, देख सकते हैं इसमें। और एक कमरा ये भी है, ये भी कमरा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपको 2 2 4 2 6 2 8, 8x है, 2 2 4 2 6 2 8, 8x8 का कमरा है। और एक कमरा ये हो गया, इस साइड से आप देख सकते हैं लोकेशन जो है, ये रोड हो गया आपको, सड़क होगी सामने भी, इस साइड भी सड़क है और दूसरे साइड भी सड़क है, तो रोड काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। बगल में ये राजवंशी नगर उनाई चेक, ये जो आपको ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये LBW स्टेडियम का लाइट दिख रहा होगा, मोहल्ला अच्छा है, स्पेशियस है। एक कमरा ये है और दूसरा कमरा ये है, और ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, इसमें भी ये 10x12 का है, इसके साथ भी आपको वॉशरूम जो है अटैच है, देख सकते हैं आप वॉशरूम अटैच है इसके साथ, अच्छा है, तो इसमें सही है इसमें। और एक छोटा सा लॉबी भी दिया गया है मेन रोड से, ये रोड हो गया सामने, हवादार होगा इधर से, और ईस्ट इधर हो गया, पूरा फेसिंग है, मतलब इधर से पूरब है वो पश्चिम हो गया, मतलब पश्चिम का वेस्ट का एंट्री है। ये मास्टर बेडरूम है आपका, ये रूम एकदम नया है, मकान बिल्कुल नया है, मतलब करीब 4-5 साल पुराना पूरा बिल्डिंग है, और ये फ्लैट जो है वो नया है, ये बाद में रिनोवेट किया गया होगा, अभी हमको लग रहा है जैसा रिसेंटली किया गया है इसका। तो सर आप देख सकते हैं, एक आप एंट्री यहाँ से कीजिएगा, और ये भी एक स्पेस हो गया आपको, और यहाँ से जो है आप फिर एंट्री लीजिएगा, ये दोनों रूम हो गया, एक रूम ये, और पहले एक हॉल के साथ में वॉशरूम हो गया, और एक जो है इस मास्टर बेडरूम के साथ में वॉशरूम हो गया, और लॉबी, दो चीज़ें अच्छा है, आप देख सकते हैं हॉल के साथ में किचन तमाम चीज़, ठीक है। बाकी आपको देखना हो या मेरा नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप देख के कॉल करके देख सकते हैं।